हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेड इजी। मेड इजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मेड इजी में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं त्यौहार तो शुरू होने वाले हैं और इन त्यौहारों में हमें बहुत सारा तला भुना खाना पड़ता है और पूड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा बनती हैं त्यौहारों में। तो चलिए हम बनाते हैं फटाफट से भटूरे। भटूरे भी पूड़ी के जैसे ही होते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है ये मैदे से बनते हैं और पूड़ियाँ जो होती हैं नरम हो जाती हैं, भटूरा जो होता है थोड़ा क्रिस्पी होता है और खाने में बहुत ही उम्दा लगता है। तो इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। जैसे ये भटूरे मैंने बनाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही बैलून जैसे भटूरे आपके घर में भी बनके तैयार हो जाएंगे अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हमारा ये भटूरा बनके तैयार होने वाला है और इसको बनाने में मात्र ही 15 मिनट का समय लगता है। बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको छोले के साथ में या फिर किसी और सब्जी के साथ में भी टीम अप करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार इसे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं मेरी और वीडियोस के लिंक, या फिर वीडियो के एंड में आप और भी वीडियोस के लिंक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बने इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको इस चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम इसका आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच सूजी ली है यानी सेमोलिना। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, पानी लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब ही हमें डालना है और इसको डालने के बाद में हम इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो। पानी में भिगोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूजी जो है काफ़ी फूलती है पानी में, तो इसको 5 मिनट के लिए इस तरीके से भिगो दें और ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इसका आटा लगाते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े कप मैदे का इस्तेमाल किया है। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ इतने में 4 से 5 लोगों के लिए भटूरे आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 कप इस तरीके से मेजर करके मैदा ले रही हूँ। मैदा लेने के बाद मैं इस तरीके से इसमें बीच में थोड़ा स्पेस बना लूँगी और इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर का, यहाँ पर ध्यान रखना है हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का नहीं। बेकिंग पाउडर जो हम यूजुअली केक में इस्तेमाल करते हैं वही बेकिंग पाउडर हमें यहाँ पर डालना है। क्वांटिटी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी इंग्रेडिएंट्स की। उसके साथ ही मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच शुगर डाल रही हूँ यानी कि चीनी मैंने इस्तेमाल की है। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे नमक। नमक हमें थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक डाला है और उसके साथ अब हम इस आटे को लगाएंगे। आटा लगाने के लिए यहाँ पर सोडा वाटर का इस्तेमाल करेंगे, हम नॉर्मल पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर जो सूजी हमने भिगो के रखी हुई थी उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए सूजी अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। अब इसको सब सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, सूजी को, सोडा को, और साथ में अब हम इसमें धीरे धीरे करके जो क्लब सोडा है यानी कि सोडा वाटर है उसको धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। एक साथ हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि जो आटा है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इससे हम फटाफट से आटा गूंदना शुरू करेंगे। आटा हमें काफ़ी सॉफ्ट लगाना है, बहुत हार्ड इसका डो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज भटूरे बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लेते जाएँ और इसको इस तरीके से हमें आटा लगाना है। आटे को बहुत अच्छे से नीट करना है, बहुत अच्छे से गूंथना है, दोनों हाथों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए 5 से 6 मिनट हमने आटे को अच्छे से गूंदा है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल ऑयल लगा रही हूँ और उसके बाद मैं फिर से इसको अच्छे से नीट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से हाथ के पिछले हिस्से से आप इसको अच्छे से नीट कर लें और इतना सॉफ्ट हमें इसके लिए डो चाहिए। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लगा है, इससे हमारे भटूरे जो हैं बहुत अच्छे और बहुत फूले हुए बनेंगे। तो देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो गया, इतना सॉफ्ट हमें डो चाहिए। अब इसको हम रेस्ट करने देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसके भटूरे बनाना शुरू करेंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं फिर से इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा रही हूँ और तेल लगाकर हम इस तरीके से छोटी छोटी इससे छोटे छोटे साइज़ के भटूरे हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ रहे हैं।
तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें। आपको जैसे ही कंफर्टेबल लगता है आप वैसे इसको बेल सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऑयल की सहायता से, या फिर आप इसको आटा लगाकर यानी हल्का सा मैदा लगाकर भी डस्ट करके बेल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप आटे का लगाकर ही इसको बेलें, क्योंकि अगर इसको बेलने में प्रॉब्लम होती है तो फिर भटूरा हमारा प्रॉपर नहीं फूलेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपने भटूरा जो है प्रॉपर नहीं बेला है अच्छे से और इसके किनारे अगर मोटे या पतले रह गए हैं तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रखा था गर्म होने के लिए, अच्छा गर्म हो चुका है। हमें बहुत एकदम धुआंधार तेल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ तेल में इसको डाल देंगे तो भटूरा नहीं फूलेगा, और अगर बिल्कुल हल्का तेल गर्म होगा और उसमें आप भटूरा डालेंगे तो भी वो नहीं फूलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने जो भटूरा यहाँ पे बेला था वो कहीं कहीं पर से मोटा है और कहीं पर से पतला है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का जो रिजल्टेंट है वो हमें मिलने वाला है। इस तरीके से भटूरा बनेगा, क्योंकि जहाँ पर किनारियाँ जो है मोटी होंगी वहाँ पर नहीं फूलेगा, और जहाँ पर पतला होगा वहाँ पर ही सिर्फ ये फूलेगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम होती है तेल लगाकर, तो फिर आप इसको हल्का सा इस तरीके से मैदा को डस्ट करके आप बेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देखिए इस तरीके से मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर हल्का सा मैदा जो है वो डस्ट किया हुआ था, और इस तरीके से हम इसको बेलेंगे। अब हमें ध्यान रखना है बेलते समय कि बिल्कुल इवन होना चाहिए, यानी कि जो किनारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और बीच से भी ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें इवनली इसको बेलना है, और इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छा बेला हुआ है। अब देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें डाला है, और इस तरीके से हल्के हल्के दबाते जाना है इसको, और ये देखिए फूल के बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको हल्का सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और इस तरीके से इसको पलट देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी ब्राउन कर सकते हैं इस साइड से। तो इस तरीके से मैं पलट के इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी कर देती हूँ, और ये भटूरा बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए इसको इस साइड से भी सेक लेंगे थोड़ा सा, और ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसको छोले के साथ या फिर किसी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बन गया ना हमारा बैलून जैसा भटूरा बिल्कुल आसानी से मात्र 15 मिनट में। तो इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आई है रेसिपी, तो फिर आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेड इजी, स्टे ट्यून फॉर मोर रेसिपीज़। बाय बाय।